समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। अभिभाषक संघ नागदा द्वारा द्विवर्षीय चुनाव की आज दिनांक को घोषणा कर दी गई। निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति बार एसोसिएशन अध्यक्ष सुशील जी मोदी द्वारा राजकुमार मिमरोट और शाकिब कुरैशी को नियुक्त किया गया। चुनाव अधिकारी महोदय के द्वारा चुनाव की रूपरेखा व मतदाताओं की सूची का प्रकाशन आज किया जा चुका है, जिसमें कुल 135 मतदाता अभिभाषक अपने मतों का प्रयोग करेंगे। निर्वाचन अधिकारी ने समय जगत संवाददाता से चर्चा में बताया कि बार एसोसिएशन के चुनाव शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से कराएंगे। ये बात हमें बार एसोसिएशन अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी और सभी अभिभाषकों द्वारा दी गई है। बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष एवं पुस्तकालय सचिव हेतु निर्वाचन होंगे। चुनाव में नागदा उन्हेल अभिभाषक सम्मिलित होंगे। चुनाव दिनांक 31/8/2019 को संपन्न होकर मतदान पश्चात परिणामों की घोषणा की जाएगी। श्रीमान, अभी अभिभाषक संघ के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या डेट निर्धारित हुई है और क्या रूपरेखा रहेगी उसके चुनाव की? अभिभाषक संघ नागदा के निर्वाचन के लिए मुझे मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। मैंने अपने सहायक कार्य के लिए, निर्वाचन कार्य के लिए सकेब अहमद कुरैशी को नियुक्त किया है। हम दो ही लोग सद्भावना पूर्वक और बहुत अच्छे तरीके से नागदा अभिभाषक संघ के चुनाव कराएंगे। उसके सभी कार्यक्रम निम्नानुसार रहेंगे। 20/8/2019 मंगलवार को 2 बजे प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा रहा है। उसके पश्चात 21 तारीख को प्रारंभिक सूची पर दावे आपत्ति एवं निराकरण 21 तारीख गुरुवार दोपहर 12:30 बजे तक 3 बजे तक रहेगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन गुरुवार को 22 तारीख को 12:30 बजे किया जाएगा। उसके बाद नामांकन फार्म जमा करने और प्राप्ति के लिए 23/8/2019 से 26/8/2019 तक कार्यालय समय 12:30 से 3 बजे तक रहेगा। नामांकन पत्रों की जांच 27/8/2019 मंगलवार 12:30 से 3 बजे तक की जाएगी। उसके पश्चात नामांकन पत्रों की वापस लेना और अंतिम प्रकाशन 28/8/2019 बुधवार को 12:30 से 3 बजे तक किया जाएगा। हम मतदान 31/8/2019 को न्यायालय परिसर कोर्ट समय के अंदर 12:00 से 3 बजे तक किया जाएगा। मतदान के पश्चात मतगणना लंच समय मतलब 3 बजे का गैप देकर हम 3:30 बजे के पश्चात मतगणना की मतपत्रों की गणना करेंगे। उसके पश्चात हम रिजल्ट घोषित कर देंगे। जो भी प्रत्याशी घोषित होगा उसको हम प्रमाण पत्र दे देंगे। सर, अभिभाषक संघ के जो चुनाव होने वाले हैं उसकी क्या रूपरेखा बनी है और क्या डेट निर्धारित हुई है? अभिभाषक संघ के चुनाव के लिए आज दिनांक को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं तथा निर्वाचन से संबंधित सभी कार्यक्रम उन्हें अपना अभी घोषित कर रहे हैं तथा मतदान के लिए जो 31/8/2019 निर्धारित की गई है उस दिन अभिभाषक संघ के जो भी उम्मीदवार रहेंगे उनके भाग्य का फैसला 31/8/2019 को हो जाएगा। इसमें कितने मतदाता हैं जो चुनाव में हिस्सा लेंगे? अभिभाषक संघ के चुनाव में 135 वोटर्स रहेंगे। उसमें से कितने लोग हैं जो अपने मतों का प्रयोग करेंगे? 135 ही। कितनी महिला अभिभाषक हैं और कितने पुरुष अभिभाषक? लगभग 16-17 आपके लगभग महिला अभिभाषक हैं, शेष पुरुष अभिभाषक हैं। इसमें जो मतदान जो करता है या सॉरी जो इसमें अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में खड़ा होगा उसकी क्या रूपरेखा रहती है और क्या कितने समय का उसको अनुभव होना जरूरी है? अध्यक्ष पद के लिए 20 वर्ष का अनुभव आवश्यक है एवं सचिव पद के लिए 10-15 वर्ष का अनुभव आवश्यक है एवं शेष के लिए 5 वर्ष से अधिक के लिए अनुभव की आवश्यकता है शेष पदों के लिए। किस किस एरिया के लोग इसमें हिस्सा लेंगे? जैसे महितपुर हुआ, खाचरोद हुआ, नागदा मुनेल क्षेत्र के अभिभाषक, झिरनिया के अभिभाषक हमारे यहाँ सम्मिलित है। नागदा से खबर समय जगत के लिए अक्षय रावल की रिपोर्ट।
खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का। हम हैं आपकी आवाज़।